हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दीप की दुनिया ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपको श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन के बारे में, कि इसमें किस तरीके से आईडी लगाई जाती है और यहाँ का क्या कैसा प्रोसेस है, वो हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए पूरी वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। चलते हैं दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पर। हम आपको दिखाने वाले हैं आज कि जो आईडी है वो कैसे लगाई जाती है। तो श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन का जो आईडी है वो कैसे एक्टिव करते हैं, आज हम सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम खोलेंगे क्रोम। तो दोस्तों, हम क्रोम को खोलते हैं और यहाँ पर जो वेबसाइट है वो आप देख लीजिए किस तरीके से वेबसाइट को लिखना है। इस तरीके से आप smrotibank.in पर लिखना है और इस पर क्लिक करते ही इसकी जो वेबसाइट है वो खुल जाएगी। और यहाँ पर आप देखते हैं साइन इन करेंगे और साइन इन करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से ये खुल के आता है और इसमें जो हमारा पासवर्ड है वो हम सेव करके इसे लॉगिन कर लेंगे, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से ये आईडी खुल जाती है और नीचे हम करेंगे थोड़ा थोड़ा और यहाँ से हम निकालेंगे कॉपी करने की लिंक। इस लिंक के माध्यम से व्हाट्सएप पे हम शेयर कर देंगे, तो जिस लिंक को हमें भेजना है उनके हम व्हाट्सएप पर ये भेज देते हैं। और यहाँ से जो लिंक निकलेगी, इस लिंक के माध्यम से आईडी हम लगाने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो फाउंडेशन से पिन लेना पड़ती है, ये पिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से पिन मिलती है जो कि 20 रुपये की पड़ती है ये पिन। तो इस पिन के बाद हम करेंगे रेफरल पर क्लिक और पिन को कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, ये स्पॉन्सर का नाम आ चुका है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इसकी जो भी डिटेल है वो हम भरने वाले हैं और जो भी कस्टमर का नाम होगा उसका हम डिटेल भरने वाले हैं। फिर पिता का नाम डालेंगे, इसके बाद जो उपयोग करता है उसका नाम डालेंगे, फिर पिता का नाम डालेंगे और फिर इसके बाद डालेंगे मोबाइल नंबर। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मोबाइल नंबर होना चाहिए फ़ोन पे, जो जिस फ़ोन पे से लेन देन होता है वो नंबर यहाँ पर हम लगाने वाले हैं। नाम के बाद पिता का नाम, इसके बाद है जो सारी जानकारी मोबाइल नंबर वगैरह है, ईमेल आईडी डालेंगे, फिर स्टेट जो राज्य वो चुनेंगे इसके बाद। और जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारे स्टेट दिखाई दे रही हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें ये ईमेल आईडी के बाद स्टेट हो गया, शहर जहाँ का भी है वो आप डाल सकते हैं। और जैसे कि मैं छतरपुर से हूँ और यहाँ पर अपना एड्रेस वगैरह, फ़ोन पे में गूगल वगैरह जो फ़ोन पे है यूपीआई से जो नंबर जुड़ा हुआ है उसको डालते हैं। अकाउंट नंबर अपने हिसाब से सभी लोग डाल ही लेंगे, अपडेट कर ही लेंगे इसके बाद। और ये पासवर्ड अपने हिसाब से बना लेना है। और इसमें जो ई पिन होती है, जो पिन हमने सबसे पहले आपको दिखाई थी वीडियो के पहले, बैंक खाता अपने हिसाब से डालना है और जो भी अपना खाता होगा वो डालेंगे। फिर इसके बाद डालेंगे हम पासवर्ड, पासवर्ड भी अपने हिसाब से डालना है। फिर जो ये ई पिन दिखाई दे रहा है, इस ई पिन को अपन को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। और इसके बाद जो आईडी है वो अपन यहाँ पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर रजिस्टर्ड करने वाले हैं। दोस्तों, ये सारी डिटेल हम भर चुके हैं और इसके बाद यहाँ पर हम करेंगे पंजीयन या रजिस्टर्ड, इंग्लिश में रजिस्टर्ड आएगा। दोस्तों, इस तरीके से ये प्रोसेस होने लगती है, आपको हम बता दें। ये चलने चलते रहने देना है और यहाँ पर ये आईडी पासवर्ड इस तरीके से आ जाता है, आप देख सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है हमने। तो दोस्तों, इस प्रकार से आईडी लगाई जाती है। तो दोस्तों, हमने आपको श्री माँ रोटी बैंक के बारे में सारी जानकारी दी, जो हमें जानकारी थी वो हमने आपको बताई। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों इसी प्रकार की यदि आप वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, उस पर भी हम आपको वीडियो बना कर देंगे। और जो आईडी किस तरीके से एक्टिव करते हैं वो भी हम आपको वीडियो लेके आएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए पूरी वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।